हेलो गाइस, आपके अपने चैनल शेयर मार्केट स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइस, हम इस वीडियो में बात करें गुडियर इंडिया लिमिटेड, जो कि जबरदस्त कंडीशन में आज की बात करें तो करीब करीब 3% से भी ज्यादा इसमें जंप देखने को मिला था, क्योंकि काफी जबरदस्त कंडीशन है। ऑफ कोर्स जो एक बड़ा डिविडेंड भी आ रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, इसका फुल एनालिसिस भी चेक करेंगे। सो गाइस, आज के हाई की बात करें 1020 रुपये आज का हाई है, लो की बात करें 985.50 रुपये से जंप करके, जो कि करीब करीब जो कि आज के फ्लक्चुएशन की बात करें तो 35 रुपये के आसपास इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। और अगर इसके बाउंड्री हाई की बात करें 1208 रुपये इसका बाउंड्री हाई है, लो की बात करें 686.30 रुपये इसका बाउंड्री लो है। अगर इसके मैक्सिमम की बात करें तो गाइस, जो इसका बाउंड्री हाई है वहीं इसका मैक्सिमम है, और यहां से इतना नीचे क्यों गया था, करीब करीब ये जो कि 900 रुपये के आसपास तक चला गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसने डिविडेंड दिया था 80 रुपीज पर शेयर, और उसकी वजह से काफ़ी ऊपर भी गया था। जब ये इसकी एक्सटेट थी उस टाइम पर 1208 रुपये तक गया था, और उसके बाद एक्सटेट के बाद तुरंत इसमें सेलिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से 900 रुपये तक ये नीचे चला गया था। तो गाइस, एक बड़ी न्यूज ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, एक वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया था। एंड गाइस, अभी जो मौका है वो लेने वाला मौका है। इवन अगर आपको 950-1000 रुपये के आसपास अगर आपको मिले तो ऑफकोर्स आपको लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी गुड़ियर को एक्वायर करने की है। एंड अगर इसके एनालिसिस की बात करें, काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आज का वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, इवन आफ्टर जो कि 3 से 3.5% इसमें जंप देखने को मिला था, बट इसमें वॉल्यूम की बात करें करीब करीब 1.25 लाख क्वांटिटी जो कि अभी इसमें वॉल्यूम ट्रेड हुआ था आज। एंड गाइज, जो कि अगर वॉल्यूम के तरीके से हम अगर इसको डिस्कस करें तो वॉल्यूम काफ़ी कम है, और काफ़ी कम वॉल्यूम वाला शेयर जो कि ऑफकोर्स जो कि मार्केट में जिसकी वैल्यू है ऑफकोर्स काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन में दिखाई देता, काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको दे सकता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल लें तो टाइड वाटर हाउस, जो कि आज अगर उसकी बात करें तो 12-13 हज़ार रुपये के आसपास अभी फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्योंकि उसका वॉल्यूम काफ़ी, उसका जो नंबर ऑफ शेयर मार्केट में है वो काफ़ी कम है। उसने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर जो कि अपने शेयर होल्डर को दिया, लाइक बोनस शेयर इशू किया था, स्टॉक स्प्लिट किया है, डिविडेंड भी दिया है। तो गाइस, अगर बात करें गुड़ियर की, इसके स्पॉट एनालिसिस की बात करें तो 10 स्ट्रेंथ है, कंपनी विद द हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ, गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट्स, कंपनी ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, कंपनी विद नो डेप्ट। सो गाइज, यहाँ पर जो कि कंपनी के ऊपर डेप्ट है वो बिल्कुल बिल्कुल जीरो है। एंड ऑफकोर्स काफ़ी ज़बरदस्त ये इसमें स्ट्रेंथ इसमें नजर आ रही है, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 quarters, बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 years, कंपनी विद 0 promoter pledge, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। रिसेंट रिजल्ट की बात करें तो गाइस, ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद इंक्रीज इन ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर, हाई डिविडेंड्स विद राइजिंग डिविडेंड यील्ड ओवर लास्ट 5 years। एंड अगर बात करें इसके जो वीकनेस की तो 5 वीकनेस भी नज़र आ रही हैं ऑफकोर्स, जो कि अगर जहां पर स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी होनी ऑफकोर्स यहां पर लाजिम है। इवन अगर बात करें इसके म्यूचुअल फंड की तो ऑफकोर्स जो कि लास्ट क्वार्टर में इसने होल्डिंग डिक्रीज की है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर फंड्स, आरओई डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 years, इनएफिशिएंट यूज ऑफ असेट्स टू जनरेट प्रॉफिट्स, आरओई डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 years, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विद द फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। अगर बात करें अपॉर्चुनिटीज की तो 3 अपॉर्चुनिटीज भी हैं, पॉजिटिव ब्रेकआउट, थर्ड रेसिस्टेंस, आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, हाई वॉल्यूम हाई गेन। एंड थ्रेट की बात करें, रेड फ्लैग रेजिग्नेशन फ्रॉम ऑफ टॉप मैनेजमेंट। एंड आज काफ़ी बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और बड़ी क्वान्टिटी ऑफकोर्स जो कि एक बाय करने के लिए लगी भी रह गई थी लास्ट में जब मार्केट एंड हुई थी, और काफ़ी ज़बरदस्त इसमें जंप देखने को मिला था। एंड अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें, उससे पहले इसका सेंटिमेंट जो कि 100% अभी पाए करने का सेंटिमेंट इसमें नज़र आ रहा है। तो करीब करीब अगर इसके टारगेट की बात करें तो गाइज वो भी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इसका फाइनेंशियल भी चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल की बात करें तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका फाइनेंशियल डिस्कस करें तो इसका रेवेन्यू आप खुद देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ऑफकोर्स जो कि हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर काफ़ी बड़ा जंप, करीब करीब जो कि यहाँ पर 4 गुना के आसपास जंप देखने को मिला है।
अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर में भी करीब करीब सेम सिचुएशन है जो कि नेट प्रॉफिट में। एंड बात करें होल्डिंग की, तो यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग है बिल्कुल स्टेबल बनाए हुए हैं, इवन 74% होल्डिंग, जो कि एक साल से टोटली 74% होल्डिंग है। अगर बात करें पब्लिक होल्डिंग की, 16.44% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी है 7.79% एंड फॉरिन इन्वेस्टर 1.75% यहाँ पर जो कि ऑलरेडी है, एंड अदर्स की भी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है 0.02% के साथ। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर होल्डिंग डिक्रीज़ की है, और इन इन्वेस्टर्स की बात करें 0.02% यहाँ पर जो कि होल्डिंग इंक्रीज है यहाँ पर। एंड अगर बात करें न्यूज़ की, ऑफ कोर्स काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ अनाउंस हुई थी, इस न्यूज़ को देख के एक चीज़ आपको आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपने शेयर होल्डर को जो कि 98 रुपये डिविडेंड दे रहा है गाइस, जिसमें फाइनल डिविडेंड 18 रुपये है, स्पेशल डिविडेंड 80 रुपये पर इक्विटी शेयर। हो गाइस, यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी ऑफ कोर्स बनती है कि 5 अगस्त तक जिसका भी जिस शेयर होल्डर का नाम उसके रजिस्टर में होगा वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगा, और इसकी एजीएम है, एजीएम में ये सारी चीज़ें डिक्लेयर होनी है, इसमें अप्रूवल आना है। एजीएम की डेट है वो है 12 अगस्त। सो गाइस 5 अगस्त तक एटलीस्ट आपको अपने पोर्टफोलियो में ये शेयर रखने पड़ेंगे। तो गाइस अगर आज से बात करें तो करीब करीब आपको सवा महीने तक, आपको इस सवा महीने से लेकर 1.5 महीने तक आपको होल्ड करके रखने पड़ेंगे। एंड ऑफकोर्स आपको करीब करीब 200 रुपये, आज से 200 रुपये के आसपास इसमें जम देखने को मिल सकता है कम से कम, क्योंकि जब उसने इससे पहले डिविडेंड दिया था 80 रुपये के आसपास डिविडेंड दिया था, उस टाइम पर इसका जो वैल्यू थी, जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो 1200 रुपये के आसपास थी। तो गाइज अब की बार ऑफकोर्स जिस तरीके से, क्योंकि इसका डिविडेंड अमाउंट भी काफ़ी बड़ा है, एंड जो शेयर होल्डर हैं, नए शेयर होल्डर, नए इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि 98 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस किया गया है। एंड ऑफकोर्स काफ़ी ज़बरदस्त इसमें चीज़ें होनी अभी बाकी हैं, काफ़ी ज़बरदस्त जंप आने वाला है इसमें। सो गाइज अभी इसको अगर आपको 950 रुपये के आसपास, 950-1000 रुपये के आसपास आपको मिले, ऑफकोर्स आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको इकट्ठा कर लेना चाहिए। एंड गाइज ऑफकोर्स आपको डिविडेंड के लिए मेरे हिसाब से अगर आप नीचे के प्राइस में आप शेयर लेते हैं तभी आप डिविडेंड के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज डिविडेंड ले अभी लें तो डिविडेंड से पहले आप उसको बेच दें, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा डिविडेंड दे रहा है तो हो सकता है कि ये काफ़ी डाउन चला जाए, क्योंकि पिछले डिविडेंड की बात करें तो करीब करीब जो कि इसमें जो डाउनफॉल देखने को मिला था वो 200-250 रुपये का डाउनफॉल देखने को मिला था, जिसमें 80 रुपीज़ ही डिविडेंड दिया था और काफ़ी वेट भी करना पड़ा था शेयर होल्डर को। सो गाइज वंस अगेन थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, टेक केयर।